लव है। क्या बात है उर्वा की अब्बा, आजकल आप बड़ी देर से घर आ रहे हैं। क्या बताऊं, सकीना काम बहुत है दफ्तर में, इसीलिए देर भी हो जाती है, थक भी जाता हूं। और देखो, इसी चक्कर में उर्वा से मिलने भी अब तक नहीं जा सका। तो फिर अब क्या इरादा है? अगले हफ्ते जाऊंगा इंशाल्लाह। एक लंबा वीकेंड आ रहा है, अच्छा है एक दिन उर्वा के पास रह भी लूंगा, हाँ ये ठीक है, है ना? बच्चियां कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है, स्कूल का काम कर रही होंगी। अच्छा बेटा ये सब जरा देखभाल के पोस्ट कर देना, इधर उधर ना हो जाए, मेरी बेटी को जल्द से जल्द मिल जाए। जी खाना चाहूँ, आप फिक्र ना करें। अब तुमने देखा था ना कि उस दिन कैसे मैं बीमार हो गई थी, किस तरह बेहोश हो गई थी। भाई अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ ये जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। अरे भाई जवान लड़की की देखभाल करना, निगरानी करना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, समझ रहे हो ना बेटा? जी खाला जान। एक तो नानी अम्मा भी ना बड़ी ही अजीब हैं। सारा काम करती हूँ मैं इनका, फिर भी हर वक्त मेरी बुराइयां करती रहती हैं। अब उर्वा जी आप खुद ही बताइए कैसे मैंने आपका किचन चमका दिया है ना? जी हालांकि मैंने आपको मना भी किया था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अगर इसने तुम्हारा काम कर दिया तो तुम भी इसके भाई जैसे ही हो। नानी अम्मा क्या हो गया आपको? भाइयों की कमी नहीं है मुझे, चार भाई हैं खैर से मेरे। भाई तो क्या हुआ? अच्छा खाला जान मैं चलता हूँ। बेटा ऐसे कैसे, चाय बनाकर ले आई तो चाय तो पी लो। नहीं खाला जान देर हो जाएगी, वो इम्तिहान सर पर है और बहुत सी तैयारी करनी है। खुदा हाफिज। मुझे एक बात बताओ, ये उर्वा जी क्या होता है, सीधी तरह भाई नहीं कहा जाता तुमसे? नहीं। तौबा है भाई तौबा।